समझी क्यों के नहीं, नहीं जा आपके दोने हाथ से टप मुझे कौन है ये सांभवानु Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिन अच्छा जाए और आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए. तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं. आने के ती माना नो रूप आप होने डर के माना नो रूप यान की रीति आप के ये वांजरा घाटे गड़ाई नीला से तो पारे चीजी अटली तो नहीं के ये न माना बनाओ કે પછી ભગવાને કીધું ભોળાનાથે કે ઊંસે તારા ટમટમે નીસે માજળ વાય એમાં જો બે જનાવર પડે તો સર્જે નદને નાર કે વાંજરી પડી વાંજરા જીવ નો આવ્યો પછી કયો એલા તમે દાદા તમે સમજાવો ને હા પાર્વતીજી બે પ્રદર્શન કરવા તે એક મોટો જબર વડલો હતો હેઠે વાવ હતી બધા જનાવર કિલોર કરતા હતા અને વાંદી ને વાંદરો જેમ ઓછા થઈને બેઠા હતા. પછી પાર્વતીજી એમ કીધું એક એટલા બધા જનાવર આ કિલોર કરે આ બે જણા કેમ ઓછાળા છે. તારે કઈ બોલે ભાવ કે માનવ હતા ને એને ખરાબ થયેલો છે એટલે એ પક્ષમાં છે. હવે એ ખરાબ પૂરો થાય પછી માનવ થાય તો પાર્વતી હેઠ લીધો કે આને માનવ કરો. પછી ભગવાને આ ગાયો જોહરો કે હું છે તારા ટમટમે નીચે માગળ વાવ એમાં બે પડે જનાવો તો સર્જે નન નાર. પછી વાંદરી પડી વાંદરીને વાંદરાને કીધું કે આપણે પડીએ તો એ તો લંગોટી એવું બોલ્યા કરે કે આપણે ન મરવું કે તે એ પછી પડી ને તે સોળમી સુંદરી થઈ ગઈ. પછી વાંદરો તો રખડી ગયો. પછી એને રાજા કોક આવ્યા ને તે એને લઈને લઈ ગયા. પછી એને ખબર પડી ને પછી તે પછી પાછા બે વાંદરી આપઘાત કર્યો એટલે બે પછી સ્વર્ગની અપસરા ઉઠી. સમજી બાર જવું પડે ભાઈ બીજા હાલ ગમે આવી તું મોકલ લે તો મને પૈસા દઈ દે. હા નો દે બોલો. હે ગાઈઝ, સો આઈ હોપ કે આપકો દાદા કે દોહે અચ્છે લગે હો, દાદા કી જ્ઞાન ભરી બાતે અચ્છી લગી હો. અગર અચ્છી લગી હે તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ કમેન્ટ કર દીજિયેગા. ઓકે. हमें छपरी हमें छपरी. हमारा कुत्ता पानी में नहाने जाता नहीं है और ये महाराज देखो हाँ स्विमिंग पूल समझ के हाँ अंदर बैठ के पानी पी रहा है. शौकीन कितना है, है? बाप रे देखो देखो तो सही कितना शौकीन है. सर बास ले लिया आपने, नहा लिया? अरे सुनिए सर सुनिए. Hey guys. सो अभी शाम होने आई है. हम अभी आए हैं रील शूट करने के लिए. ये देखिए हमारा सस्ता अल्लू अर्जुन. हाँ सितराल सिर पड़ू सितराल सिर पड़ू. ठीक है, अगर रील अच्छा बना तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख के आ जाइएगा. और क्या, हमारा हीरो कब से टाइम वेस्ट कर रहा है, हम टेक लेने की ट्राई कर रहे हैं. हाँ इसका रील बना रहे, अगर अच्छा बना तो मैं लिंक डालूंगा, देखना ज़रूर. हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं हम और हमारे पीछे जूनियर आर्टिस्ट वहाँ खड़े हैं. सनसेट हो रहा है गाइस बाय द वे, बहुत बढ़िया सा, और हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं. अरे तो गमछा ऐसा ही होता है रे, इसको गमछा अंदर डाल के आओ इधर. नहीं ये बस अब इतना सारा. हाँ बस परफेक्ट, तेरे को बस इतना ही करना है. हाँ ठीक है. फाइनली हमने शूट तो कर लिया है, होपफुली अच्छा आएगा. इसके पीछे हम गाना डालेंगे, सितराल सिर पड़ू सितराल सिर पड़ू घटू घटू नादार्द सितराल सिर पड़ू. हमारा शूट खत्म. क्या यहाँ पे व्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रहे हो? हिंदी बोला ही ये क्या, 50 रुपया 200 रुपया दो और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग का. गाइस सो आशा करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा. वो तो मैं व्लॉगिंग व्लॉगिंग करो से आज टॉप मुझे कौन है ये सांभवानु समझो के ना आई. मेरे को कुछ समझ. सो गाइज हम बस यहाँ पर मस्ती वस्ती कर रहे हैं. अभी थोड़ा बाहर चलते हैं सैर सपाटा करने के लिए. ठीक है, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे, वावड़ी नहीं आया था हमारा मौलिक भाई, तो उसको बढ़िया सा सनसेट दिखा देते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये देखिए पीछे क्या बढ़िया सा सनसेट हो रहा है. रुकिए 2 सेकंड में आपको भी दिखेगा. और ये देखिए हमारे पीछे बढ़िया सा सनसेट दिख रहा है.
अभी हम चलो वहां दिखा रहा हूँ आपको घुमा के कैमरा। चलते चलते सैर सपाटा करते करते हम तो थक गए हैं भाई साहब। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। वैसे वहाँ पर दादा और बा भैंस का दूध निकाल रहे हैं। अभी देखो ये सब कुछ हरा हरा था, वो सब कुछ ब्राउन ब्राउन हो गया है। कुछ समय में बारिश जब आएगी, वर्षा की ऋतु जब यहाँ पर अपने रंग दिखाएगी, तो ये सब कुछ हरा भरा नीला एकदम मस्त हो जाएगा। सर पे आसमान होगा ब्लू ब्लू और जमीन होगी ग्रीन ग्रीन। इसी को ही तो कहते हैं हाँ धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम गीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन के ऋतु आए। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। अभी इन भाई साहब को पानी पीना है तो देखिएगा क्या करेगा। नहाने जा रहे। क्या चल रहा है सर? हाँ हाँ सर, क्या कर रहे हो? अरे सर नहा लो, नहा लो, शर्माओ मत सर। अरे सर शर्माओ मत। उसकी नहाते हुए नंगी तस्वीरें निकाल रहे थे तो बेचारा शर्मा के भाग गया यहाँ से। बोलता है साले बेशरम लोग कहीं भी आ जाते हैं मेरा वीडियो बनाने के लिए, ये साले व्लॉगर कहीं मरते क्यों नहीं है, ऐसा करके भाग गया यहाँ से। आजा भैंस का दूध निकाल के आ चुके हैं। बेचारे कितना मेहनत करते हैं इस एज में भी, अभी भी देखो एकदम मतलब फिट एंड फाइन होके चलते हैं। 80 की उसमें भी बच्चन जी की उम्र के हैं। अरे इस कुत्ते को इतनी गंदी आदत पड़ गई है, हर 10-10 मिनट में पानी के अंदर जाता है और फिर वहीं पर नहाता है और पानी पीता है। ना ना सर नहा लो, आप नहा लो, शर्माओ मत आप। आप नहीं नहीं आप शर्माओ मत। गाइस देखिए हमारे खेत से कितना परफेक्ट सनसेट दिखाई देता है। अब आप सोचिए कि अगर ये इस तरह से ऐसा दिख रहा है तो अगर हमारा कैमरा अच्छा होता तो ये कितना खूबसूरत दिखता। हाँ एक बेहतरीन सनसेट दिखता। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही अंगत मित्रों से मिलने के लिए जिनसे हम बहुत टाइम से मिले नहीं है, और हम पूरी गैंग जा रहे हैं। देखो ये गैंग दो जन आगे गए, एक मौलिक पीछे आ रहा है मेरे। सो अभी चलते हैं और हमारे दोस्त से मिलते हैं। और सामने की गैंग से दो कुत्ते आ गए हैं, तो हमारे कुत्तों की झगड़ा हो रहा है उनके साथ। उसको ऐसा लगता है वो उसका खेत है, पर हमारे कुत्ते उनको दबोच रहे हैं गंदी तरह से। ये मेरा इलाका और इस ये मेरा इलाका और मैं इस इलाके का जयकांत शिखड़े। इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर तो झुंड में आते हैं। मौलिक वहां गिर गया।